मायोनीज को बनाने के लिए इसमें एक अंडा, ये मैंने तोड़ के डाल दिया है, ये एक अंडा इसमें आएगा, एक खाने का चम्मच चीनी आएगी और एक चाय का चम्मच इसमें आएगा नमक सॉल्ट, ठीक है, और एक कप इसमें कुकिंग ऑयल, ऑयल कोई सा भी आप डाल सकते हैं जो आपको पसंद है, ऑलिव भी ले सकते हैं और सनफ्लावर कोई भी आप ले सकते हैं। अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ और एक चम्मच ये सिरका मैं आपको बताती हूँ कैसे करना। उधर से स्टॉक में डाली, ये मैं इसमें डालूँगी एक चम्मच सिरका डलेगा, ये एक चम्मच सिरका ये मैं इसमें डाल दूँगी। अंडा हमने एक डाल दिया है और इसके साथ एक चाय का चम्मच नमक भी मैंने इसमें डाल दिया और एक खाने का चम्मच मैंने इसमें डाल दिया चीनी। अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, ये मैंने ऊपर रख दिया इसको चूल्हे के जूसर ब्लेंडर में इसको रख दिया, इसको मैं मैंने तकरीबन आधे मिनट तक इसको मैंने हिलाया है, अंडे को, अंडा, सिरका, नमक और चीनी को। अब हम इसमें धार बनाकर डालेंगे कुकिंग ऑयल, ये बात जहन में रखना है, एकदम से कुकिंग ऑयल नहीं डालनी डालना बल्कि थोड़ा थोड़ा करके डालना है, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे डालना। इसको हमने उस वक्त तक बनाना है जब तक ये इस ग्राइंड करना है उसको, मशीन को उस वक्त तक चलाना है जब तक आपको इस तरह की थिक इसकी वो ना नज़र आ जाए, पेस्ट सा ना बन जाए। अब ये देखें आप में इसमें आपको काली मिर्चियों के दाने भी नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा बस मैंने इसमें काली मिर्चें डाली थी, आप इसको आधा चाय का चम्मच कह लें अगर ना भी डालें तो भी बेहतर है, लेकिन ये देखें कितना अच्छा मायोनीज घर पर तैयार हो चुका है, अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, जैसे ऑयल मैंने आपको बताया धार बना के डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है और मुस्तकिल आपने ग्राइंडर चलाते रहना है। अगर बीच में आप बंद भी कर देते हैं, हिलाते हैं उसको भी, तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन जब तक ये तैयार नहीं होता, इस शक्ल में नहीं आ जाता, आपने मुसलसल ग्राइंडर जो है वो चलाते रहना है। अब आप इसको इस्तेमाल कीजिए और फिर बताइए कि क्या टेस्ट है।